बंद कर आज के उपस्थित दिल्ली सरकार के मंत्री माननीय राजेंद्र पाल बहुत जी, कश्यप जी, प्रोफेसर कुमार जी, मैडम शशि, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ यूथ फॉर सोशल जस्टिस सुरेंद्र जी को। दरअसल आज भारत उबल रहा है, आज एक नए दौर में, एक नए युग में भारत का प्रवेश हो रहा है, और वह इसलिए कि युग पुरुष बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के सदियों से प्रताड़ित जनता को एक जो आवाज दी और उसे जो दबाने की कोशिश हो रही है, मैं कहूंगा, मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा कि शायद भारत आज दुनिया के आतंकवादी देश के रूप में हमारे सामने है। क्यों? क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देशों में आतंकवाद की चर्चा होती है, लेकिन वहां का आतंकवाद यूं होता है कि कोई बम गिर गया, कुछ हो गया, खत्म हो जाती है बात। लेकिन ये आतंकवाद सदियों से हर क्षण हर पल लगातार जारी है, और मुझे लगता है कि इस देश का बहुजन इस चीज को हर दिन हर पल महसूस कर रहा है। और आज आपने देखा बाबा साहेब ने जो संविधान हमें दिया, उससे देश की प्रगति की बात की गई थी, जन जन के प्रगति की बात की गई थी। जब हम किसी राष्ट्र की प्रगति की बात कहते हैं तो वहां उस देश के जन जन की बात होती है, और संविधान ने हमारे देश को इस देश के जन जन की प्रगति की बात कही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह एकांगी रहा, जो सदियों से हमारे देश में जो व्यवस्था थी, जो जाति व्यवस्था थी, और जिस पर धर्म की मुहर लगी हुई है। आप इस बात को समझना बच्चों कि जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो लगातार प्रयास हो रहा है बाबा साहेब के कारण, जो जन जन जागृति आ रही है, उसमें बहुत बड़ा हो रहा, बहुत बड़ा जो पत्थर हमारे सामने है वो धर्म की है, जो व्यवस्था है उस पर धर्म की जो मुहर लगी हुई है। इसलिए 56 में नागपुर में बाबा साहब ने हमें इस धर्म को, इस मोहर को हटाने की बात कही थी। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो हमारा समाज, बहुजन समाज जगा हुआ है, वो उसका कारण और नहीं जग पाया, उसका कारण यही है इस धर्म की मोहर को समझ नहीं पा रहा। एक बहुत बड़ा समाज का छोटा हमारा इस धर्म की मोहर से आक्रांत है, स्थल की मोहर को पहचान नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि इसको जानने की जरूरत है, तभी कोई नई प्रगति होगी, तभी कोई आगे देश बढ़ेगा। वरना जो ये बार बार ये जो बात कही जाती है कि ये कुछ हो रहा है, वो कुछ हो रहा है, उसके जड़ के, उसके मूल में यह सबसे बड़ा रोड़ा है। मैं चूंकि बहुत सारी बात अत्याचार की सारी लगातार होती रही है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि देश की प्रगति को अगर नापना है तो हमें दुनिया की देश की प्रगति के बारे में बात करनी। दरअसल दुनिया के देशों में हम यह अंतर क्यों देखते हैं कि लगभग मूलभूत जो आवश्यकताएं मानव की है वो दुनिया के देशों में है, क्योंकि वहां जाति व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो सदियों की मानसिकता है वह हमें मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित करता है, यह अंतर है। लेकिन समाज के सभी वर्गों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि क्या आप दुनिया के किसी देश में कहीं भी जाने का अवसर मिलता है या देखने का अवसर मिलता है तो क्या आप यह एकांगी रूप में जानते हैं कि देश की प्रगति हो गई? नहीं, क्योंकि आपको एक तरफ एक ऐसा राष्ट्र दिखेगा इस देश में, इस भारत में दो राष्ट्र है, एक राष्ट्र जिसके पास सब कुछ है, दूसरा राष्ट्र जिसके पास कल खाने को क्या होगा, आज खाने को क्या मिलेगा यह नहीं पता है। आप जब इस हॉल से बाहर निकले आप देखेंगे कि कितनी विपन्नता इस देश में है, यह यूं ही नहीं है, यह इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर बार बार मैं कहना चाहूंगा जो धर्म की मोहर है उसके कारण यह कुछ है।
तो मैं ज्यादा नहीं, क्योंकि बार बार जो बातें कही गई है उसे आंकड़ों के द्वारा हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमारे देश के सामने एक जो एक बहुत बड़ी विकट समस्या उपस्थित हो गई है वह यह कि जो संसद, जो जुडिशरी, वो आज न्याय की बात के विपरीत कार्य कर रहा है। यह पूरे विश्व में एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जो जुडिशरी जो न्याय की बात करता, जो हमें समाज को एक लाने की बात करता, वो इस तरह का कार्य करता है। वह ऐसा इसलिए है कि सदियों की मानसिकता हमारे दिमाग में, और ये सदियों की मानसिकता को हमें निकालना होगा। और मुझे तो यह लगता है कि यह ऐसा होने वाला नहीं है, और निश्चित रूप से हम इसको नहीं होने देंगे। जय भीम।